हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ड्रिलिंग की। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था वेल प्लानिंग एंड टाइप ऑफ रिग्स। अब एक्चुअली होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो रहते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले जाते हैं, बात करने लग जाते हैं पावर सिस्टम की, होस्टिंग सिस्टम की, रोटरी सिस्टम की, वट एवर जो भी सिस्टम रहता है। बट एक्चुअली में क्या है, हम रिग को नहीं समझ पाते, हम उसका बेसिक फंडा नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में रिग है क्या। तो वो पहले समझना ज़रूरी है। अगर हमें पता होगा कि रिग क्या है, तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को डीपली समझ पाएंगे, हमें इमेजिन कर पाएंगे कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या हो रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है। और अगर हमें रिग का प्रोसेस नहीं पता होगा, रिग का वर्किंग नहीं पता होगा, तो हम उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे कि फ्लूड कहाँ जा रहा है, ड्रिलिंग फ्लूड कहाँ से एंटर हुआ, कहाँ से बाहर आ गया, सीमेंटिंग कहाँ पे कर दी, वो चीज़ें फिर समझ नहीं आएगी। और फिर उनका कैलकुलेशन करना, उनके बारे में बात करना, वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि फिर हमें रटना पड़ता है कि ये वाला फंडा है, ये रट लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला ऐसे होता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम पहले, आज मैं उन सब कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले रिग और रिग के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम पहले डीपली रिग को समझेंगे, रिग कैसे काम करता है, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था, जब हम सेकंड ईयर में थे तो एक सर आए हमको पढ़ाने, आए सम धनबाद से, ड्रिलिंग पढ़ाने आए वो फोर्थ सेमेस्टर में। तो ड्रिलिंग थर्ड सेमेस्टर में कुछ कुछ पार्ट कवर हो जाता है ड्रिलिंग का, बट उस टाइम हम कुछ कवर नहीं कर पाए। वो आके सीधा ड्रिलिंग फ्लूड का कैलकुलेशन कराने लग गए। थोड़े दिन तक ऐसे ही चला। एक दिन हमने बोला कि सर, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं है ये ड्रिलिंग फ्लूड होता क्या है, ये ड्रिलिंग फ्लूड जाता कहाँ है और इसका काम क्या है। तो पहले हमें ड्रिलिंग का बेसिक समझाइए, हम ड्रिलिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे इसमें ड्रिलिंग फ्लूड एंटर करता है, कहाँ से निकल कर आता है, फिर उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तब उन्होंने हमको पहले बेसिक समझाया, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस कर पाए, क्वेश्चनों को रिलेट कर पाए। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसीलिए आज हम पहले बात करेंगे रिग एंड रिग कंपोनेंट्स की। तो ये मैंने डायग्राम बना के रखा है, हालांकि ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है मेरा। तो हम इसमें एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज़ का बात करेंगे। तो रिग का काम होता है बेसिकली, इट इज़ ए मशीन फॉर यूजिंग ड्रिलिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ड्रिलिंग करने के लिए जो मशीन होती है उसको रिग बोला जाता है। अब देखिए, रिग हमने बात किया था कि पोर्टेबल टाइप होते हैं, ट्रक माउंटेड होता है या स्थाई वाला होता है, डेरिक वाला। तो अब उसमें क्या है, जो ये वाला है रिग, मान लीजिए ये असेंबल किया हुआ रिग है, यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को असेंबल किया है, डेरिक को असेंबल किया है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या आ गया रिग का, डेरिक। रिग का कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले आ गया, मान लीजिए डेरिक। डेरिक मतलब आपको जो दिख रहा है टावर जैसे, जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, डेरिक है। इज दैट क्लियर? जो टावर जैसी स्ट्रक्चर है, जो लोहे की स्ट्रिप से बन के मिलके बनी हुई है, वो डेरिक है। अब देखिए, सबसे पहले ड्रिलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, बात करें ड्रिल स्ट्रिंग से लेके नीचे से या ऊपर देखें तो क्राउन ब्लॉक। इसका नाम क्राउन ब्लॉक क्यों दिया गया, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। क्राउन, क्राउन मतलब ताज, तो सबसे ऊपर है क्राउन ब्लॉक। सीबी जो मैंने लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्राउन ब्लॉक। अब देखिए, क्राउन ब्लॉक के अंदर से लाइंस निकलती है, ये वाली। अब इधर ड्रा वर्क से होके जाती है एक लाइन, क्राउन ब्लॉक में एंटर करती है, फिर ट्रेवलिंग ब्लॉक के साथ, ये नीचे कौन सा है, ट्रेवलिंग ब्लॉक, ट्रेवलिंग ब्लॉक के साथ इसके राउंड्स रहते हैं 6 times, 8 times, 10 times, 12 times, डिपेंड ऑन द वेट। नीचे स्ट्रिंग का कितना वेट है, उस वेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइन्स हम डिसाइड करते हैं। जितना ज़्यादा वेट होगा हमें लाइन्स उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा। बेसिकली आप समझिए, मान लीजिए ये ड्रा वर्क है, इधर ड्रा वर्क से क्या होगा, एक लाइन निकलेगी, ठीक है, अपना लोहे की स्ट्रिंग, आयरन स्ट्रिंग निकलेगी, वो गई और क्राउन ब्लॉक में गई, ठीक। क्राउन ब्लॉक में जाके क्राउन ब्लॉक से नीचे आ गई ट्रेवलिंग ब्लॉक में, ये क्राउन ब्लॉक, ये ट्रेवलिंग ब्लॉक, ठीक। ट्रेवलिंग ब्लॉक से निकल के वापस गई क्राउन ब्लॉक में,
वापस एक बार नीचे आई, अगेन निकल के वापस चली गई क्राउन लूप में। चार स्ट्रिंग्स हो गए इसमें, नंबर ऑफ लाइंस चार आ गया। फिर मुझे छः करना है, एक बार गई वापस आ गई, आठ करना है एक बार गई वापस आ गई। मान लीजिए नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया अपना, एट, एट नंबर ऑफ लाइंस। अब जो यहाँ पहुंची वो कहाँ जाएगी, घूम के वापस इधर, क्योंकि इसका एक सिरा तो किधर हमको रखना पड़ेगा ना, तो उस सिरे को क्या बोलते हैं, इधर आके जो होता है उसको बोलते हैं डेड एंड। क्या बोलते हैं, डेड एंड। और इस लाइन को बोलते हैं डेड लाइन। कौन सी लाइन, डेड लाइन। डेड लाइन इन द सेंस कि अब ये डेड हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है। मूवमेंट में सारा काम यहां से होगा, यहां से लाइन एक्स्ट्रा निकलेगी, नीचे जाना है अगर ट्रेवलिंग ब्लॉक तो इधर से ये ड्रॉप रोप इसको रील देगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ऊपर खींचना है तो ड्रॉप बॉक्स को रिवर्स मूव करेंगे, ये लाइन इसमें ड्रॉप बॉक्स के अंदर रील हो जाएगी, तो ये ट्रेवलिंग ब्लॉक ऊपर हो जाएगा। ट्रेवलिंग ब्लॉक नाम से क्लियर है, ट्रेवल करने वाला ब्लॉक, ट्रेवलिंग ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है, ये क्राउन ब्लॉक क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये मूव करता रहता है अप और डाउन, अप एंड डाउन। तो अब जब ये अप जाएगा तो ये रील्स क्या होगी, लाइंस क्या होंगी, इनका लेंथ कम होगा, लेंथ जैसे ही कम होगा तो ये सारी किस्में जाके रील हो जाएगी ड्रॉप रॉक्स में। इसको नीचे आना है तो ड्रॉप रॉक्स को क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे रिवर्स, तो ये इसको रील को नीचे छोड़ देगा। इज दिट क्लियर, सीबी और ट्रेवलिंग ब्लॉक। और लास्ट वाला जो एंड है उसको डेड एंड बोलते हैं, इधर डेड लाइन आ गया, ये स्टैटिक है ड्रॉप बॉक्स। तो यहाँ मैंने लिखा है डेड लाइन, फास्ट लाइन जो मूव करती है उसको बोलते हैं फास्ट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, फास्ट लाइन। ठीक है, ये आ गई आपकी डेड लाइन, क्राउन ब्लॉक, ट्रेवलिंग ब्लॉक। आई थिंक आपको समझ में आ गया। क्राउन ब्लॉक, ट्रेवलिंग ब्लॉक के इधर एक हुक रहता है जिससे सारा लोड क्या रहेगा, असेंबल रहेगा। नीचे जो ड्रिल स्ट्रिंग का सारा लोड है, जो ड्रिलिंग बिट, बिट के ऊपर जो पाइप्स होते हैं ड्रिल पाइप्स, उन सब का लोड कौन हैंडल करेगा, ट्रेवलिंग ब्लॉक। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सिस्टम हो गया, एक होस्टिंग सिस्टम। अब देखिए हम बात करते हैं ड्रिलिंग फ्लूड की। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रिलिंग फ्लूड की। तो ड्रिलिंग फ्लूड बेसिकली काम क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या काम है ड्रिलिंग फ्लूड का। ड्रिलिंग फ्लूड का काम है जो नीचे वेल बोर में हम कटिंग्स कर रहे हैं। देखिए ये आपका वेल बोर है, ये आपका बिट है, ड्रिलिंग पाइप है। बिट रोटेट होगा, जैसे जैसे बिट रोटेट होगा रॉक्स का कटिंग बनेगा इधर। अब रॉक्स का कटिंग कन्वेंशनल ड्रिलिंग में क्या होता है, बाहर आता है, किसके साथ, ड्रिलिंग फ्लूड के साथ। तो हम इस ड्रिलिंग स्ट्रिंग के अंदर से, पाइप के अंदर से क्या डालेंगे, ड्रिलिंग फ्लूड। क्या डालेंगे, ड्रिलिंग फ्लूड या मड जिसको बोलते हैं। मड फ्लो करेगा, बिट में नोजल्स रहता है, बिट में क्या रहता है, नोजल्स रहता है। इन नोजल्स के थ्रू बाहर आएगा ड्रिलिंग फ्लूड, और अब ड्रिलिंग फ्लूड जैसे जैसे बाहर आएगा ये फिल होता जाएगा, आपका वेल बोर फिल होता जाएगा। अब जैसे जैसे ये फिल होगा ये एक टाइम बाहर आ जाएगा, किसको साथ में लेके आएगा, कटिंग्स को साथ में लेके आएगा। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है ड्रिलिंग के, जैसे जैसे ड्रिलिंग चलती रहती है ड्रिलिंग फ्लूड हम एंटर करते रहते हैं, और ये जो जेट के थ्रू बाहर आता रहता है, बिट के थ्रू बाहर आएगा। अब जैसे ही बाहर आएगा तो कटिंग्स को क्या करेगा, साथ में लेके आता रहेगा। तो ये काम है ड्रिलिंग फ्लूड का। अब ड्रिलिंग फ्लूड को कैसे इसके अंदर एंटर करवाते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, वो आप देखिए। तो ये मैंने लिखा है मड टैंक। क्या लिखा है, मड टैंक, इसको पिट भी बोलते हैं, मड टैंक, ड्रिलिंग फ्लूड टैंक या पिट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इधर से एक पंप लगा है, मड पंप, जो क्या कर रहा है, इसके अंदर ड्रिलिंग फ्लूड को एंटर करवाने के लिए काम कर रहा है। मड पंप क्या करेगा, सक्शन लेगा, ठीक है, इस टैंक से, सक्शन इन द सेंस कि टैंक से लिक्विड को सक करेगा, लिक्विड को उठाएगा, उठाया और प्रेशराइज करके इस लाइन के थ्रू, देखिए देखते जाइए, इस लाइन के थ्रू ऐसा होते हुए बिट तक भेज देगा। ये बिट आ गया, बिट तक भेज दिया, ये सारा काम हो गया अपना, ये अपना वेल बोर है। अब जैसे ही बिट के थ्रू जाएगा ये नोजल से बाहर आएगा, नोजल से बाहर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, मड कहाँ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो करके यहाँ से आके इस लाइन के थ्रू क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, इस लाइन के थ्रू वापस रिटर्न हुआ। अगर मड टैंक में गिरने से पहले हम क्या करते हैं, मड को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस हम ड्रिलिंग फ्लूड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी आइडिया दे देता हूँ। एक लिखा है शेल शेकर, एक होता है सैंड शेकर,
डीगेसर, कई चीजें होती है। अब क्या होगा, ये दोनों जो शेकर्स लगे हैं ये क्या होंगे, जो कटिंग्स को साथ में लेके आ रहा है उनको रिमूव कर लेंगे, जो अपना रॉक कटिंग्स लेके आ रहा है ड्रिलिंग फ्लूड नीचे से उनको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो वापस जो मड है वो वापस किस में आ गया, मड टैंक में, वापस मड टैंक में आ गया। अब मड टैंक से वापस कौन उठाएगा, पंप उठाएगा। तो ये वाला एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ से उठेगा, इसके थ्रू जाएगा और यहाँ से जया बिट के थ्रू निकला, वापस एनुलस के थ्रू बाहर आया और इस लाइन के थ्रू वापस टैंक में गिर गया। तो अपना मड लॉस नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, आइडियल में मड लॉस नहीं होता, बट धीरे धीरे क्या है, कटिंग्स के साथ कुछ चला जाता है, कुछ फॉर्मेशन जो फॉर्मेशंस में चला जाता है, तो मड लॉस जैसे जैसे होगा उसको हम किससे मेजर करेंगे, पिट लेवल से। किसे मेजर करेंगे, पिट लेवल से। इसको क्या बोलते हैं, पिट लेवल। लेवल मतलब जितना हम जनरली जो ड्रिलिंग होता है उसमें पता होता है कि कितना लेवल टाइम के साथ डाउन होना है, अगर उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हम समझ देख लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, या लेवल बढ़ रहा है तो हम सोच लेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि लेवल मान लीजिए इसमें 100 लीटर होना है, लिक्विड कितना है, मड कितना फिल करके देखा हमने पिट में, 100 लीटर सपोज दैट। अब बट लेवल कितना दिखा रहा है, 110, मतलब 110 लीटर, 10 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, यहाँ तो लॉस होना है एक्चुअली में, फॉर्मेशन में जाना है, बढ़ना नहीं है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब कुछ लफड़ा है, नीचे से किक वगैरह आ गया है, फॉर्मेशन का लिक्विड वाटर एंटर कर चुका है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है देखने के लिए किक को, पिट वॉल्यूम। ठीक है, ये छोड़िए, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो ये आपको ड्रिलिंग का ड्रिलिंग मड का सर्कुलेशन समझ में आया, आई थिंक आपको आ गया होगा। अब इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। सक्शन लाइन आपको समझ में आ गया, मड पंप जो सक्शन को पंप को जो सॉरी ड्रिलिंग फ्लूड को जो पंपिंग कर रहा है वो, वाइब्रेटिंग होस, ये होस क्या रहता है, वाइब्रेटिंग रबर का रहता है, किसका रहता है, रबर का। वाइब्रेटिंग होस क्यों रखा, इसको एक लोहे का पाइप क्यों नहीं बनाया, आयरन पाइप क्यों नहीं है, ड्रिल पाइप क्यों नहीं है, क्योंकि जब पंप डिस्चार्ज देता है हाई प्रेशर पे तो पंप के अंदर क्या आएगा, वाइब्रेशन आएगा, सर्ज क्रिएट होगा, हाई प्रेशर पे पंप डिस्चार्ज देगा तो एक वाइब्रेशन। अब जब आयरन का या स्टील का जो भी पाइप रहेगा, मतलब हार्ड पाइप रहेगा, हार्ड मेटल का, वो क्या ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं पंप डिस्चार्ज में। तो हमने क्या रखा है, वाइब्रेटर होस लगा, वाइब्रेटिंग होस रखा रबर का, तो वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा, अपना वाइब्रेशन जब उसको डिस्चार्ज में हाई प्रेशर मिलेगा जब उसमें वाइब्रेशन आएगा, ही कैन एडजस्ट, इट कैन एडजस्ट। आफ्टर दिस अगेन यहाँ पे एक स्टैंड पाइप आ गया, स्टैंड पाइप जो मैंने लिखा है, एक पाइप इसे कनेक्ट हो जाएगा, इसके थ्रू यहाँ से जाएगा, यहाँ से घूम के इसको क्या लिखा है हमने केली होस, ये वाला जो है यहाँ से अगेन क्या होगा, रबर का होस स्टार्ट होगा, अगेन इस पॉइंट से कौन सा होस स्टार्ट होगा, रबर का होस। जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इतना इतने पार्ट को केली होस, क्या बोलते हैं, केली होस। केली होस किस लिए बोलते हैं, कि ये आगे जाके केली के साथ कनेक्ट होता है, ये आगे जाके किसके साथ कनेक्ट होता है, केली के साथ। और इसको रबर का क्यों रखा है, केली होस भी किसका होता है, रबर का होता है। क्यों रखा है, क्योंकि ट्रेवलिंग ब्लॉक के मूवमेंट में इसको मूवमेंट होना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेवलिंग ब्लॉक ऊपर जा रहा है, सपोज दैट ट्रेवलिंग ब्लॉक मूविंग अपसाइड, तो अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये होस इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। तो अगर ये लोहे का होगा, आयरन का होगा, या कोई हार्ड पाइप का हो, हार्ड पाइप होगी, स्टैंड पाइप होगी, तो क्या होगा, ये साथ में मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको किसका रखते हैं, हम रबर का रखते हैं, फ्लेक्सिबल होस होता है ये, केली होस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब केली होस के बाद ये एक पोर्शन आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन आता है, इतना इसकी ये वाली स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं गूजनेक, क्या बोलते हैं, गूजनेक। गूजनेक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये इसके दो काम होते हैं, एक तो ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसके बीच में सर्वाइवल और केली होस के बीच में फ्लेक्सिबल कनेक्शन देता है। दूसरा, जब आपका वाटर वगैरह जो एंटर होता है उसका रिवर्स फ्लो रोकता है, रिवर्स फ्लो इन द सेंस कि यहाँ से जो आया वो इधर आ गया, अब वापस नहीं जा पाएगा, वापस नहीं जा पाएगा, ये रिवर्स फ्लो को कंट्रोल करता है गूजनेक, और दूसरा एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पार्ट, केली होस, गूजनेक, स्टैंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आता है अपना स्वाइवल, क्या आया, स्वाइवल एंड केली। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ केली क्या है। केली एक पाइप है जिसका डिज़ाइन हेक्सागोनल भी हो सकता है और स्क्वायरल भी हो सकता है। वो किस लिए काम आती है, वो ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करने काम आती है। मान लीजिए ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है तो बिट क्या होगा, रोटेट होगा,
बिट रोटेट होगा। बिट रोटेट कैसे होगा कि उसके ऊपर जो ड्रिल स्ट्रिंग लगा हुआ है, ऊपर जो ड्रिल पाइप्स ऐड करके हमने जो एक स्ट्रिंग बनाई है, ड्रिल पाइप ऐड कर ये पाइप, फिर इसके साथ एक और पाइप, ऐसा करके हमने ड्रिल स्ट्रिंग बनाया, लास्ट में बिट आया, इसको बोलते हैं ड्रिल स्ट्रिंग। बिट प्लस ड्रिल पाइप्स प्लस बॉटम होल असेंबली मिलकर क्या बनता है, ड्रिल स्ट्रिंग। अब पूरा ड्रिल स्ट्रिंग क्या होता है, रोटेट होता है। पूरा ड्रिल स्ट्रिंग क्या होता है, रोटेट होता है। किसके द्वारा, कौन रोटेट करवाता है इसको, रोटरी टेबल। क्या है ये रोटरी टेबल, यहाँ जो मैंने लिखा है रोटरी टेबल, इसको कौन रोटेट करवाएगा ड्रिल स्ट्रिंग को, रोटरी टेबल। कैसे करवाएगा, रोटरी टेबल में आपका लगा रहेगा एक मोटर, इंजन से चल सकता है, इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकता है, जो भी है। अब देखिए रोटरी टेबल का ये डायग्राम हुआ रोटरी टेबल, बीच में यहां से क्या है, ये ओलो है, ये इधर ये वाली रोटरी टेबल है, ठीक है। इसके कनेक्शन जो भी कनेक्शन रहते होंगे मैकेनिकली, ये रोटेट करेगा, ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसीलिए इसको क्या टेबल नाम, रोटरी टेबल नाम दिया गया। बाहर का ये नीचे फ्लोर रहता है, जो मैंने लिखा ना ड्रिल फ्लोर, ये वाला ड्रिल फ्लोर, ये वाला ड्रिल फ्लोर है पूरा। इसके अंदर ये जो इक्विपमेंट है, ये है रोटरी टेबल, जो इस टाइप से है, और रोटरी टेबल में ये पूरा रोटेट करता है। इज दैट क्लियर, रोटेट कैसे करता है, उसको रोटेट करवाने के लिए मोटर्स लगे रहेंगे, वो हो सकता है कि डीजल से चल रहे हो, डीजल इंजन उनको ऑपरेट कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहे हो, डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है रिग अपना किस टाइप का है। हमने कल बात किया था रिग एनर्जी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है, आपका न्यूमेटिक टाइप का होता है, हाइड्रोलिक टाइप का होता है, स्टीम टाइप का होता है, वो इन्हीं के डिपेंड करता है इनको रोटेट करवाने के लिए। अब देखिए रोटरी टेबल जब आपका रोटेट कर रहा है तो आपको स्ट्रिंग कैसे रोटेट करेगा, इसके अंदर जो ड्रिल स्ट्रिंग है वो कैसे रोटेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ड्रिल स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक जो केली मैंने लिखा है, केली का साइज क्या रहेगा, जो रोटरी टेबल का साइज रहता है, रोटरी टेबल का जो इस होलो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके जैसा ही होगा। कैसे होगा, मान लीजिए केली जब ये हेक्सागोनल है तो केली भी क्या होगा, हेक्सागोनल होगा, केली इसके अंदर पूरा पूरा फिट आएगा, ऐसे केली फिट आ गया पूरा पूरा अंदर। ये क्या लिख दिया मैंने, केली। तो रोटरी टेबल का साइज अगर स्क्वायर में है तो केली भी क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। अब केली पाइप है जो इसके अंदर पूरा पूरा एकदम फिट आएगा। अब पूरा पूरा फिट आएगा तो सपोज कीजिए ये जब रोटेट हो रहा है तो ये पूरा पाइप भी इसके साथ क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये पूरा सिस्टम क्या होने लग गया, अब रोटेट होने लग गया, ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है तो ये केली भी क्या हो रहा है, अपना साथ साथ रोटेट हो रहा है। इज दैट क्लियर, केली भी अपना क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब केली रोटेट होगा तो पूरा ड्रिल स्ट्रिंग, पहले सबसे पहले कौन रोटेट होगा, रोटरी टेबल। रोटरी टेबल रोटेट हुआ देन केली रोटेट, केली का रोटेशन स्टार्ट हुआ, केली का रोटेशन स्टार्ट हुआ। केली किसके साथ कनेक्टेड है, ड्रिल स्ट्रिंग के साथ। ड्रिल स्ट्रिंग का रोटेशन स्टार्ट हुआ तो ड्रिल स्ट्रिंग के साथ कौन कनेक्टेड है, बिट। बिट का ड्रिल रोटेशन स्टार्ट हुआ तो अपना ड्रिलिंग करना स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर। तो अभी देखिए केली अपना रोटेट कर रहा है रोटरी टेबल के साथ। अब आप बात करेंगे कि केली जब रोटेट करेगा तो पूरा सिस्टम कनेक्टेड है तो क्या ये स्वाइवल, ये गूसनेक, ये ट्रेवलिंग ब्लॉक, ये क्राउन ब्लॉक तक ये सिस्टम टूट जाना चाहिए। रोटेट करेगा पूरा सिस्टम तो ये पूरा सिस्टम साथ में रोटेट करना चाहिए। पूरा सिस्टम तो साथ में रोटेट नहीं करता है तो इस सिस्टम का रोटेशन ब्रेक करने के लिए क्या लगाते हैं हम, स्वाइवल। जो हमने लिखा है इधर स्वाइवल, जो रेड वाला मैंने बनाया है ये स्वाइवल है। स्वाइवल एक टाइप से अपना बियरिंग है, बियरिंग समझते हैं आप। तो इस स्वाइवल क्या है, इस रोटेशन वाले पोर्शन को ऊपर वाले पोर्शन से अलग करता है। स्वाइवल के अंदर बियरिंग लगे रहते हैं तो स्वाइवल से नीचे नीचे जो सिस्टम है वो तो रोटेट करता रहेगा, ऊपर वाला सिस्टम क्या रहेगा, स्टेटिक रहेगा। समझ गए आप। और ये सारी चीजें अंदर से होलो होती है ताकि इनके थ्रू आपका ड्रिलिंग लिक्विड, ड्रिलिंग फ्लूइड फ्लो कर सके। इज दैट क्लियर। तो ये गया अपना
और स्वाइवल के थ्रू निकला। स्वाइवल ने इसका रोटेशन यहाँ से इसके ऊपर ऊपर ये रोटेट नहीं करेगा, इससे नीचे नीचे सारा सिस्टम रोटेट करेगा रोटरी टेबल के साथ। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये स्वाइवल आ गया, ये कैली आ गई, समझ में आ गया इनका काम। अब आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे कैली रोटेट किया, ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ, कटिंग फ्लूड के द्वारा बाहर आ रहा है, तो हम एक सेफ्टी के लिए क्या लगा के रखते हैं ड्रिलिंग के टाइम? BOP, ब्लो आउट प्रिवेंटर। ये जस्ट वेल हेड के ऊपर होता है, वेल हेड के ऊपर है BOP, ब्लो आउट प्रिवेंटर। ब्लो आउट प्रिवेंटर के साथ इसमें लिखा है, दिखाया है इधर सीयर राम्स और पाइप कटिंग राम्स रहती है। राम इन द सेंस कि वाल्व वो रहते हैं, वो सिस्टम को बंद कर, मान लीजिए किक आ गया या ब्लो आउट हो गया, इसका नाम ही ब्लो आउट प्रिवेंटर है, तो ये क्या करेगा, पूरे सिस्टम को बंद कर देगा। बंद कैसे करेगा? या तो इस पाइप को ही कट करके पूरा सिस्टम ही नीचे से क्लोज कर देगा, या पाइप को यहाँ तक एनुलस क्लोज करेगा, पाइप के अंदर से लिक्विड आ सकता है, दो काम कर सकता है। तो पाइप के रिवर्स फ्लो तो होगा नहीं, बिट के थ्रू तो लिक्विड आएगा नहीं, तो ये एनुलस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अदरवाइज ये कभी कभी पाइप को भी कट कर देता है, पूरा सिस्टम ही ब्लॉक कर देता है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। ये काम है ब्लो आउट का। ब्लो आउट के ऊपर लिखा है मैंने बेल निपल। क्या लिखा है? ब्लो आउट के ऊपर जस्ट लिखा होता है बेल निपल। बेल निपल क्या काम करता है? जो लिक्विड ड्रिलिंग फ्लूड जो नीचे से बिट के बाद निकलने के बाद जो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, उसको कनेक्शन प्रोवाइड करता है ये वाली पाइप के थ्रू। जो फ्लो लाइन है वो कनेक्टेड रहती है बेल निपल से। ये बेल निपल का काम है, इसको ड्रिलिंग फ्लूड को फ्लो लाइन से कनेक्ट करना। तो ये आपका प्रोसेस, कंपोनेंट्स आपको सारे समझ में आए। अब बात करते हैं ड्रिलिंग में स्टैंड पाइप, सॉरी पाइप रेक है, मंकी बोर्ड है और स्टैंड है, इनके बारे में। ड्रिलिंग एक, मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमने ड्रिल कर दिया, तो उसके बाद ये आगे नेक्स्ट ड्रिलिंग कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये ट्रेवलिंग ब्लॉक है, ये स्वाइवल आ गया, नीचे केली आ गई और नीचे ड्रिल स्ट्रिंग लगा है, और इसके बाद ये बिट लगा है। क्या लगा है? बिट। अब हमने क्या किया, रोटरी टेबल को रोटेट करना स्टार्ट किया। यहाँ से रोटरी टेबल है, ये रोटरी टेबल को रोटेट करना स्टार्ट किया, तो बिट घूमेगा, बिट अगर घूमेगा तो नीचे ड्रिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे ड्रिलिंग होना स्टार्ट हुआ, बिट का डायरेक्शन क्या होगा, ड्रिलिंग करती जाएगी, नीचे बैठती जाएगी, तो ये वाला सिस्टम यहाँ मूव कर जाएगा। बिट यहाँ आ गया, अगर बिट यहाँ आ गया तो सारा सिस्टम ट्रेवलिंग ब्लॉक केली सब नीचे आ गया। तो जब ये पूरा ड्रिल स्ट्रिंग नीचे बैठ जाएगा, तो ये जो हमने एक्सटेंड पाइप ऐड किया था, जैसे केली और बीच यहाँ से यहाँ तक जो पाइप था, केली जितना नीचे आ गया लास्ट में आके स्वाइवल मान लीजिए रोटरी टेबल के पास में आ गया, तो अब क्या करेगा, हमें एक नई ड्रिल पाइप ऐड करनी पड़ेगी। हमें ड्रिल पाइप क्या करना पड़ेगा, एक नया ऐड करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से केली का कनेक्शन ब्रेक करेंगे, किसके साथ, ड्रिल पाइप के साथ। जो केली का कनेक्शन, केली प्लस ड्रिल पाइप का जो कनेक्शन है उसको ओपन करेंगे, कनेक्शन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उस कनेक्शन को ओपन किया, पूरा सिस्टम को क्या किया, साइड में कर दिया, पूरे सिस्टम को क्या किया, साइड में कर दिया। अब ट्रेवलिंग ब्लॉक क्या है, यहाँ आएगा केली, इधर आएगा, यहाँ से जो पाइप है उस पाइप को कनेक्ट करेगा, यहाँ से एक पाइप को उठाएगा, उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, केली के साथ। फिर वो नीचे आएगा, केली के साथ जो कनेक्टेड है वो पाइप किसके साथ कनेक्ट होगा, नीचे वाली ड्रिल स्ट्रिंग के साथ, अगेन फर्दर ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक पाइप को हम ड्रिल करते जाते हैं। जनरली पाइप का लेंथ रहता है 27 to 30 feet, एक ड्रिल पाइप का लेंथ रहता है 27 to 30 feet। तो एक बार 30 फीट हमने ड्रिल कर दिया, अगेन केली को ओपन किया, ड्रिल पाइप के साथ अटैच किया, दूसरा ड्रिल पाइप उसके साथ, नीचे वाले ड्रिल पाइप के साथ कनेक्ट किया, फर्दर ड्रिलिंग स्टार्ट हुई, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और अपना ड्रिल पाइप नीचे बैठता जाएगा, ड्रिल स्ट्रिंग का लेंथ विद टाइम बढ़ता जाएगा और अपना ड्रिलिंग होता जाएगा। तो इसमें क्या रहता है,
ये इस यहाँ पे लिखा था मैंने पाइप रेक, आप देखिएगा यहाँ पाइप रेक लिखा था। पाइप रेक का मतलब यहाँ बहुत सारी पाइप्स लगी रहती है, पाइप रेक का मतलब ड्रिल पाइप बहुत सारी पड़ी रहती है। दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे, ये लिखा था मैंने मंकी बोर्ड। मंकी बोर्ड का काम क्या है, यहाँ से चार पांच पाइपें ये खड़ी करके रखते हैं ऑलरेडी, यहाँ से पाइप निकालेंगे पाइप रेक से और तीन चार पाइपें इस बोर्ड के साथ खड़ी करके रखेंगे। यहाँ एक बंदा खड़ा रहेगा मंकी बोर्ड पे, एक मंकी मैन रहेगा। वो मंकी मैन क्या होगा, जब ट्रेवलिंग ब्लॉक इधर आएगा उसके साथ इसको कनेक्ट कर देगा। जब ट्रेवलिंग ब्लॉक इसकी साइड मूव होगा यहाँ से वो एक पाइप को उठाएगा, ट्रेवलिंग ब्लॉक के साथ अटैच करेगा, वो नीचे आके केली के साथ उसका वो कनेक्शन बना देंगे, नीचे जो फ्लोर मैन खड़े रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से पाइप उठाना, इसमें कनेक्ट करना, यहाँ से उठाना, ये काम किसका है, मंकी बोर्ड पे बैठे हुए मंकी मैन का। और बीच बीच में क्या है, जैसे इधर चार पाइपें पड़ी है, चारों पाइप अटैच हो गई, तो यहाँ से ये पाइप रेक से 10 पाइपें निकालेंगे, चार पाइपें जिसका इतना स्टोरेज रहता है उसको खड़ी कर लेंगे। ये सब काम कौन करता है, ट्रेवलिंग ब्लॉक करता है। इधर से उठाया, यहाँ खड़ा कर दिया, इधर से उठाया, अब वापस ड्रिलिंग स्टार्ट होगी फर्दर। तो ये ड्रिलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये था रिग एंड उसके कंपोनेंट्स, क्या था, रिग एंड उसके कंपोनेंट्स। अब आपको इसमें डाउट आए कुछ तो आप हमें मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या आईपी में डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो मुझे कन्वे कर देंगे, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, आप बात कर सकते हैं। अब डाउट आना तो नहीं चाहिए वैसे, फिर भी मैं एक बार इसका प्रोसेस दोबारा समझा देता हूँ आपको कि कहाँ से क्या क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं मड टैंक से। किससे स्टार्ट करें, मड टैंक से स्टार्ट करें, ओके। मड टैंक से हमने लिक्विड उठाया, सबसे पहले मड टैंक से लिक्विड उठाया किसके द्वारा, सक्शन लाइन के द्वारा। किसने उठाया, मड पंप ने। मड पंप का जो भी कैपेसिटी रहेगा, प्रेशर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना क्या दिया, डिस्चार्ज दिया। किसके थ्रू, वाइब्रेटर होस के थ्रू। वाइब्रेटर होस क्यों लगाया हमने, क्योंकि पंप डिस्चार्ज में वाइब्रेशन आएगा, अगर हमने कोई हार्ड पाइप लगाया तो इट कैन बी ब्रेक। इसके बाद आया ये स्टैंड पाइप, यहाँ सॉलिड पाइप आ गया। सॉलिड पाइप के बाद अगेन क्या आया, केली होस। केली होस का क्या काम है, रबर का होस है, ताकि ये ट्रेवलिंग ब्लॉक का मूवमेंट ऊपर नीचे जैसे होगा उसको कंपनसेट कर सके। केली होस के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या आया, गूजनेक। गूजनेक का क्या काम है, एक तो स्वाइवल के साथ केली होस का फ्लेक्सिबल कनेक्शन देना, दूसरा रिवर्स फ्लो को कंट्रोल करना। इसके बाद आया स्वाइवल। स्वाइवल का क्या काम है, स्वाइवल का काम है कि केली के नीचे, केली प्लस ड्रिल स्ट्रिंग का जो रोटेशन है उसको ऊपर वाले सिस्टम से ब्रेक करना। यहाँ बीयरिंग टाइप लगा है, नीचे वाला ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे इसके अंदर, पर स्वाइवल अपना वैसे का वैसा खड़ा रहेगा। इसके ऊपर जो भी कंपोनेंट्स हैं, स्वाइवल के ऊपर गूजनेक है, ट्रेवलिंग ब्लॉक है, क्राउन ब्लॉक है, लाइन्स हैं, वो सब क्या होगी, वैसी की वैसी बनी रहेगी। स्वाइवल के बाद आ गई केली। केली का क्या काम है, ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करवाना। ड्रिल केली मेक द कनेक्शन विद रोटरी टेबल। रोटरी टेबल रोटेट होगा, उसमें केली जाके फिट होगा और रोटरी टेबल के साथ साथ केली का कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ये वाली स्ट्रक्चर होगी, हेक्सागोनल केली बोलते हैं या स्क्वायरल केली बोलते हैं, इसके अंदर ये फिट हो जाएगी। जैसे इसके अंदर फिट होगी दोनों एक साथ घूमने लग जाएंगे, तो ड्रिल स्ट्रिंग नीचे पूरा काम करेगा। केली के बाद आ गया आपका रोटरी टेबल। रोटरी टेबल का काम क्या है, पूरी ड्रिल स्ट्रिंग को रोटेट करवाना। रोटरी टेबल के जस्ट नीचे हमने लिखा है बेल निपल। बेल निपल का क्या काम है, जो रिवर्स अपना फ्लो हो रहा है, जो मड रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न मड को फ्लो लाइन के थ्रू वापस मड टैंक में भेजना। इसके बाद आ गया बीओपी। बीओपी का काम है ब्लो आउट प्रिवेंटर, सेफ्टी इक्विपमेंट है बीओपी। जब अगर वेल में किक आ गया या ब्लो आउट होना स्टार्ट हो गया तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, वेल को बंद कर सकते हैं। बीओपी में दो तीन टाइप की राम्स रहती है, शियर राम्स होती है, कटिंग राम्स होती है, या फिर एनुलर प्रिवेंटिंग राम होती है। हमें क्या बंद करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्लोज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे वेल कंट्रोल में, तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा समझने में नहीं आए। इसके बाद बीओपी। बीओपी के बाद आपका आ गया ड्रिल स्ट्रिंग। ड्रिल स्ट्रिंग क्या है, इट इज़ द कनेक्शन ऑफ पाइप प्लस बॉटम होल असेंबली प्लस बिट। इन सबको मिलाकर जो चीज़ें बनती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिल स्ट्रिंग बोलते हैं। ड्रिल स्ट्रिंग के बाद आ गई आपकी बिट, और बिट में नोजल के थ्रू लिक्विड बाहर आ गया। तो ये एक प्रोसेस हुआ ड्रिलिंग फ्लूड का सर्कुलेशन, प्लस इनके बीच में जो जो कंपोनेंट्स आए।
इसके बाद ट्रेवलिंग ब्लॉक का आपको नाम से क्लियर है, ये ऊपर नीचे मूव होगा, क्राउन ब्लॉक ऊपर स्टेटिक में रहेगा। ये दोनों क्या करेंगे, पूरा मैकेनिकल जो भी सिस्टम है, जो लोड हैंडल करना है, नेचर ड्रिल स्ट्रिंग का जितना भी लोड है वो सब हैंडल कौन करेगा, क्राउन ब्लॉक और ट्रेवलिंग ब्लॉक। इनके अंदर जो लाइन्स रहेंगी वो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ लाइन्स डिपेंड ऑन द लोड ऑफ ड्रिल स्ट्रिंग। इधर से जो ड्रा वर्क से जो लाइन निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे, फास्ट लाइन। जो आके लास्ट में डेड एंड डेड हो गई वो एक टाइप से, अब उसका मूवमेंट नहीं होगा तो उसको बोलते हैं डेड लाइन। ये स्टैटिक रहेगा, ये ट्रेवलिंग ब्लॉक है तो इसलिए इसका नाम ट्रेवलिंग ब्लॉक रखा है, क्योंकि ये मूवमेंट होता रहता है। बीच के नंबर ऑफ लाइन्स डिपेंड ऑन द लोड, तो ये वाला एक सिस्टम हो गया, ये फास्ट लाइन। इधर आ गया ड्रा वर्क्स, ड्रा वर्क्स क्या करता है, जो लाइन्स है ये फास्ट लाइन है इसका, मान लीजिए आपको ट्रेवलिंग ब्लॉक ऊपर उठाना है तो ये फास्ट लाइन को लपेट लेगा, और छोड़ना है तो ये रील को छोड़ देगा, ये वाला काम करेगा आपका ड्रा वर्क्स। फिर आ गया आपका पाइप रैक, पाइप रैक्स में ड्रिल पाइप्स अरेंज रहती है, उनमें से कुछ पाइप्स उठा के हम खड़ी कर देते हैं, किसके साथ, मंकी बोर्ड के साथ। मंकी बोर्ड पे एक आदमी बैठा रहता है, उसको मंकी मैन भी बोला जाता है। मंकी मैन, जब हमने ड्रिल एक पाइप ड्रिल कर दिया, ड्रिल पाइप का एक जोड़ा पूरा नीचे बिठा दिया, दूसरा कनेक्ट करना है तो यहाँ आएगी ट्रेवलिंग ब्लॉक, इसको लेके जाएगा, फिर नीचे कनेक्शन बनेगा, अगेन ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, ऐसा ये फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। तो आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग इन दिस रिग एंड रिग कंपोनेंट्स। तो ये है आज का इतना ही लेक्चर है रिग एंड रिग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके जो भी आपके इसके सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम 6 सिस्टम्स हैं, वेल कंट्रोल, वेल मॉनिटरिंग, होस्टिंग सिस्टम, पावर सिस्टम, जो भी व्हाटएवर, वो हम क्या नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये सिस्टम समझ में ना आए कि क्या है, तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, हाउ टू ऑपरेट ड्रिलिंग रिग के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उसमें वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कहाँ से लिक्विड उठाना है, कैसे ड्रिलिंग मड काम करता है, पंप काम करते हैं, कैसे ड्रिलिंग फ्लूड फ्लो होता है, कैसे रिवर्स आता है, उन वीडियो में आपको समझा देगा। इधर मैंने समझा दिया तो आपका एक इमेज क्लियर हो गई, वहाँ आप वीडियोज़ देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियोज के लिंक हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करवा दें, नहीं है तो आप YouTube पे जस्ट सर्च कर सकते हैं ड्रिलिंग रिग ऑपरेशन, बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको, तो वो आप ज़रूर देखिए, तो उसको आप उससे आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोसेस कैसे है। इसके बाद हम ड्रिलिंग में जहाँ भी जैसे भी बात करेंगे तो आपको एक माइंड में इमेज क्लियर रहेगी कि एक्चुअली में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि ड्रिलिंग है वो ऑयल इंडस्ट्री का सबसे टफ काम है। मान लीजिए आपके मन में है कि मैं ड्रिलर बनना है, मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार मैं ओएनजीसी में जाके ड्रिलर बनना चाहता हूँ, तो देखिए पहली बात तो ड्रिलिंग में सीट्स कम आती है, पेट्रोलियम वालों के लिए, अपने लिए 4-5 ऐसा सीट आती है तो मुश्किल है उसमें जाना। बट अगर मेरा पर्सनल यही ओपिनियन है कि ड्रिलिंग में नहीं जाना चाहिए, इतना हार्ड काम है ड्रिलिंग का, आपको 12 घंटे यहाँ खड़े रहना है, मंकी बोर्ड पे खड़ा रहना है, ये सब देखना है, कोई मड पंप देख रहा है, एक एक घंटे पे ईच एंड एवरी आवर सैंपलिंग हो रही है, मड में लिपटे हुए हो। हाँ, अगर कोई हार्ड वर्कर है, चाहता है कि यार मैं तो देखना ही है, मैं रफ काम पसंद है मुझे, तो वो जा सकता है, उसमें वो आदमी उसके लिए लायक है अगर उसे रफ काम पसंद है। और अगर कोई वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है, आराम से बैठेंगे आप एसी में, तो ऐसा काम नहीं है ओएनजीसी में, तो ड्रिलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्रिलिंग तो येलो कॉलर से भी ऊपर है भाई साहब, छोड़ दो कि क्या है ड्रिलिंग, एकदम पूरा मड में लिपटे रहोगे आप और काम करते रहोगे, मंकी बोर्ड पे चढ़ रहोगे 12-12 घंटे तक। जो ऑपरेटर होता है, जो रोटरी टेबल ऑपरेट करता है, जो ट्रेवलिंग ब्लॉक को ऑपरेट करता है, जो ड्रा वर्क्स को ऑपरेट करता है, उनकी आंतें खिंच जाती है काम करते करते, क्योंकि 12 आवर्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा भी चूक हुआ हो सकता है किक आ गया, ब्लो आउट हो गया, थोड़ा भी चूक हुआ तो हो सकता है वेल होल की ट्रेजेक्ट्री खराब हो गई, हम ड्रिल ऐसा करना चाहते थे, चला ऐसा गया, स्ट्रिंग फंस गया, बिट फंस गया, फिशिंग करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मॉनिटरिंग भी दिमाग के साथ साथ हार्डवर्क, आदमी को अकेला हार्डवर्क करना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है,
कर लेंगे आँख बंद करके लगे हुए, बट उसमें आप ओनली आँख बंद करके काम नहीं कर सकते, उसमें आपको माइंड का यूज भी करना है, कितना पेट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रेट ऑफ पेनेट्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डिस्ट्रिंग का वेट कितना आ गया, मट में किक तो नहीं आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब उसके हिसाब से देखें तो बहुत टफ काम है ड्रिलिंग का। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं ड्रिलिंग में, तो बोलते हैं कि यार पहले तो पसंद था जाना, अब तो यार थक गए हैं ड्रिलिंग करते करते, पागल जैसे हो गए, क्योंकि 24/7 का काम है, आपका टारगेट रहता है इतना फिट ड्रिलिंग करना है, तो दिन रात लगे पड़े हैं ड्रिलिंग ड्रिलिंग ड्रिलिंग। हाँ, कभी कभी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है जब रिग मूवमेंट होता है, जब हम इसको डेरी की स्ट्रक्चर को असेंबल करते हैं, उस टाइम महीना दो महीना लगता है, बाद में डिसमेंटल करते हैं अगेन महीना दो महीना, तब उस टाइम ड्रिलर थोड़े फ्री रहते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। ड्रिलिंग रिग्स पे ऑन ऑफ रहता है, वो तो है, रहना आपको बंक हाउस में पड़ता है, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती उधर, बंक हाउस होता है अच्छा होता है, उसमें सब फैसिलिटी है ऐसी वैसी, बट ऐसा घर जैसा क्वार्टर या वो वाला कुछ नहीं मिलेगा ड्रिलिंग पे, इसलिए ऑन ऑफ रहता है ड्रिलिंग पे। और जिस टाइप से ये काम आपको दिख रहा है ड्रिलिंग मड जो नाम है ना, इसका नाम मड है, एक्चुअली में ये कीचड़ जैसा ही होता है, इसीलिए इसका नाम ड्रिलिंग मड रखा है, और वो हर जगह फैलता रहता है। जैसे ही आप केली को ओपन करेंगे दूसरा पाइप जोड़ने के लिए, तो ये जो इस पोर्शन में जो ड्रिलिंग मड भरा हुआ है वो कहाँ जाएगा, सीधा फ्लोर पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा, सीधा फ्लोर पे गिरेगा। अगेन दोबारा कनेक्शन किया, स्टार्ट किया, ड्रिलिंग फ्लूड स्टार्ट हुआ, आप क्या करेंगे, अगेन जैसे ही कनेक्शन खोलेंगे पूरा फैल जाएगा ड्रिलिंग। देखना आप एक दो वीडियो यूट्यूब पर क्या होता है ड्रिलिंग। तो और उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं, पढ़ाई मन लगा के कीजिएगा, गेट निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम वैसे ही जॉब्स कम हो रही हैं धीरे धीरे, पेट्रोल इंजीनियर्स के लिए तो जॉब है ही कहाँ, ओनली अपना ONGC है, तो गेट को पूरा मन लगा के अच्छे से, अभी टाइम है 5 महीने पढ़े हैं, 5-6 महीने बढ़िया मन लगा के पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं 10 आवर्स का डेली स्टडी, और बढ़िया शॉर्ट नोट्स मेंटेन करते हुए, न्यूमेरिकल याद करते हुए, फॉर्मूलाज याद करते हुए, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।